नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। सरायकेला जिला के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में विगत चार दिनों से पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक होने वाला जलापूर्ति बाधित होने के कारण लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। इधर बारिश का महीना होने के बावजूद लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। लाखों की आबादी वाले कपाली नगर परिषद क्षेत्र के लोग विगत चार दिनों से पेयजल को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। नगर परिषद और पेयजल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला जलापूर्ति सेवा चार दिनों से बाधित है, जिससे लोग पानी के लिए एकमात्र आश्रय चापाकल पर निर्भर है। अधिक आबादी होने के कारण सभी चापाकलों पर लोगों की भीड़ लग रही है, जिससे लोगों का समय भी बर्बाद हो रहा है और इन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि महीने में एक से दो बार जलापूर्ति सेवा बाधित होती है, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है और लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बहुत दिक्कत है पानी के लिए, इतना गर्म पानी के लिए ढो ढो के मर रहा है। यहाँ नल में भी एक कीटर नल आई, चापाकल का करेगा, पानी पानी नहीं आ रहा। अभी इतना छोटा छोटा बाल बच्चा कितना मरेगा पानी के लिए, आ नहीं रहा पानी। आ कितना दिन हो गया पानी नहीं आया? चार दिन से नहीं आ रहा। एक चापाकल में कितना परिवार यहाँ से पानी ले जाता? बहुत दूर का पानी लेने के लिए आता है, और डुंगरी तरफ का उधर का सब यही पानी। एक किलो चापाकल ये टूट गया था, फिर अभी कोई बना दिया था। चंदा करके बनाए आप लोग? चंदा करके बनाते। इधर इस मुद्दे पर कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि तकनीकी खराबी होने के कारण जलापूर्ति सेवा बाधित थी, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। होने के कारण खरकई बैंगविल और चांडिल का गेट खुलने के कारण जो संरेखा नदी है उसमें हमारा जो इंटेक वेल है उसमें आकर मुहाने में उसका इंटेक वेल में कचरा जाम हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज बहाव और पानी का बहुत ज़्यादा स्तर होने के कारण उसके सफाई कराने में समस्या हो रही है। उसको साफ करने के लिए लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, अंदर में गहराई तक। इसी के चलते पानी का जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा था, और आज पानी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, बहाव थोड़ा कम हुआ है। तो हम लोग उसको देखते हुए आज प्रयास कर रहे हैं कि उसके मुहाने को इंटेक वेल का साफ कर मोटर से पानी की फिर से पुनः सप्लाई हम लोग शुरू कर सकें। तो सर कब तक पानी मिल जाएगा? हम लोग आशा करते हैं कि अगर आज शाम में अगर वो सफाई हो जाता है तो हम लोग कल से पानी पुनः। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।